हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक क्लासिफिकेशन। बहुत ही इजी है। फिर से मैं कोई भी टॉपिक को बहुत मुश्किल नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो टॉपिक आसान होता जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और होता क्या है वो समझना। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, मे बी वर्ड्स नंबर्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उन सब वर्ड्स में से ऑड वन आउट ढूंढना होता है। ऑड वन आउट मतलब कि कुछ तो होंगे जो किसी सिमिलैरिटी पे बेस्ड होंगे और एक होगा जो उनके ग्रुप से एकदम अलग होगा। तो वो जो अलग है ना, वो आपको ढूंढ के निकालना होता है और वही आपका आंसर होता है। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे समझना। चूजिंग दी वन वर्ड, ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ऑड नंबरल्स पेयर ऑफ और ग्रुप्स, ऑड लेटर ग्रुप्स, ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। बेसिकली आपको चूज करना होता है या तो ऑड वर्ड या आपको ऑड पेयर ऑफ वर्ड चूज करने होंगे, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे वर्ड के, आपको पेयर्स दिए होंगे बेसिकली, तो आपको उनमें से ऑड चूज करना है। ऑड नंबर हो सकता है, ऑड अगेन नंबर का पेयर हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, या ऑड लेटर का ग्रुप हो सकता है। अब ये क्या है, कैसे है, उनको क्वेश्चन से समझते हैं। तो सीधा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा ऑड वन आउट फाइंड करना है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शंस हैं आपके कैलेंडर, डेट, डे, मंथ। तो भाई डेट, डे और मंथ जो है वो कैलेंडर का ही पार्ट है। कैलेंडर के अंदर आ जाता है डेट, डे और मंथ, राइट। सो ये तीनों तो एक जैसे हैं बट कैलेंडर इज डिफरेंट। तो ये यहाँ पे आपका ए पार्ट जो है फर्स्ट जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बोल रहा है चूज द पेयर इन विच वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। ऐसा पेयर ढूंढो। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सब यही टाइप है। देखो ऑड वर्ड का हमने क्वेश्चन कर लिया, ऑड पेयर ऑफ वर्ड का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। ऑड पेयर ऑफ वर्ड मतलब आपको पेयर ढूंढना है। पेयर मीन्स दो वर्ड। देखो यहाँ दिए मैं हर जगह दो दो वर्ड्स दिए हैं। इन दोनों की जगह आपको इन दोनों वर्ड्स में से ऐसा पेयर ढूंढना है जो ऑड है, राइट। सो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। आपको बोल रहा है जूल एनर्जी, एंगल डिग्री, एम्पियर करंट, पास्कल प्रेशर। तो ये सब तो आपने सुने ही होंगे। ये वर्ड्स अपनी साइंस की बुक्स में या मैथ्स की बुक्स अगर आपने पढ़ी हैं तो उनमें सुने होंगे। अब ये क्या है वो समझो। देखो इसमें जो आंसर होगा वो कैसे पता चलेगा आपको, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, यानी ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या है और ये किस कैसे रिलेटेड हैं दूसरे वर्ड से। तो देखो सबसे पहले एम्पियर करंट, भाई करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, तो ये एसआई यूनिट है करंट की। इसी तरह प्रेशर की पास्कल यूनिट है। एनर्जी को हम जूल में नापते हैं, एनर्जी की यूनिट है। डिग्री को हम एंगल में नापते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गई। डिग्री को हम एंगल में नहीं नापते, हम एंगल को डिग्री में नापते हैं। तो जो सेकंड वर्ड है ना उसकी यूनिट है फर्स्ट वर्ड। ध्यान से समझना, सेकंड वर्ड की ऐसा यूनिट है फर्स्ट वर्ड। और सी पार्ट में, सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड को यूनिट दिया है सेकेंड वर्ड की, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल गया है कि सी पार्ट जो है ऑड वन आउट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, चूज द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द ग्रुप। अब नंबर्स में आपको डिफरेंट नंबर चूज करना है। इसमें देखो 139 है, 177, 144, 183। इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तरीका ये हो सकता है बेसिक सा कि ये सब जो है, ये तीनों मुझे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, ये अकेला इवन नंबर है, ठीक है। ये इवन नंबर है तो ये ऑड वन आउट हो गया, बट ये मोस्ट केसेस में इतना ईजी नहीं आता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि ये जो तीनों है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। 12 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 144। तो दोनों ही तरह से देखें तो मेरा आंसर सी पार्ट ही आ रहा है, विच इज़ 144, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है चूज द ऑड नंबर नंबरल पेयर्स और ग्रुप। आपको इनमें से ऑड नंबर का पेयर चूज करना है, यानी इनमें से एक ऑप्शन जो है ऑड है वो चूज करना है। तो ध्यान से पहले पैटर्न देखेंगे कि हो क्या रहा है। ये जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे 15:46, 12:37, 8:33, 9:28, भाई ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना,
मैं अगर सॉल्व कर दूंगी तो आपको सॉल्यूशन पता लगने के बाद ये इजी लगेगा, बहुत इजी लगते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे आपको लगेगा नहीं यार ये तो समझ नहीं आ रहा। तो हमेशा क्वेश्चन के सॉल्यूशन सुनने से पहले अपना एक बार खुद का दिमाग ज़रूर लगाना थोड़ी देर के लिए। सुनने के बाद तो आपको आसानी लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, रीजनिंग तो कुछ बच्चों को ऐसा होता है अरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वहीं कर लेंगे, एग्ज़ाम पेपर में ही कर लेंगे। तो ऐसा मत करना, प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया करो वीडियो को पॉज करके। देखो अब मैं इसको देखती हूँ, 15 और 46, 9 और 28, 12 37, 8 33 हो क्या रहा है। मैंने देखा यार 9 का ऑलमोस्ट ये 3 या 4 गुना हो रहा है, 15 का देखो ये 2 गुना तो हो नहीं रहा, यानी डबल तो हो नहीं रहा। 15 का डबल होता है 30, 9 का डबल होता है 18, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा आ गए, 3 गुना आ गए, राइट। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आपको ये देखना है कितनी तेज़ी से जो है आगे वाला नंबर बड़ा है या बढ़ रहा है, राइट। तो 12 भी देखो डबल से भी ज़्यादा है, ये भी डबल से भी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है, यानी कि हर केस में जो पहला वाला नंबर है, एक सेकेंड, हर केस में जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, राइट। ये हो गया 45। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, इसको 3 से करोगे 36, इसको 3 से करोगे 32, राइट। तो आपने देखा कि भाई एक एक कम नंबर आपको मिल रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 3, कि 46 था, 46 से 45 मिल गया, 28 का की जगह 27 मिल गया, एक एक कम है। तो हर उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, अच्छा मैंने यहाँ एक गलती की है, इट इज़ नॉट 32, इट इज़ 24, 8 3 24, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हर बार मल्टीप्लाई 3 से करके मैंने देखा एक एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो हर केस में मल्टीप्लाई 3+1 हो रहा है, लेकिन डी वाले पार्ट में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, इसमें हो रहा है मल्टीप्लाई 4+1। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 32 और प्लस 1, तो यहाँ पे अलग है, दिस इज़ ऑड पेयर, राइट। तो डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आप यहाँ पे लेटर के ग्रुप्स दिए हैं, आपको बताना है एक कौन सा वाला डिफरेंट है, राइट। तो देखते हैं, ये है आपका बी सी एंड डी, फिर है एन पी आर एल के एल एम क्यू आर क्यू पी, राइट। अब मैंने देखा इनका ऑर्डर, देखो ये सेकंड पोजीशन पे आता है, हमेशा पोजीशंस याद रखना, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने लेटर सीरीज़ के बारे में बताया है, पोजीशंस आपको याद रहेंगी। ये थर्ड पोजीशन है और ये फोर्थ। इसी तरह एन जो है आपकी कौन सी पोजीशन होती है, ये आप नंबर्स लिख लो, यहाँ पे भी नंबर्स लिख लो, यहाँ पे पोजीशंस लिख लो। तो जैसे ही आप पोजीशंस लिख लोगे, या पोजीशन नहीं भी लिखना, आप ए बी सी डी में देखो, ये तीन तीन लेटर्स ऐसे दिए हुए हैं जो साथ में आते हैं, राइट, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं जो। तो सिर्फ एक है बी पार्ट, एन पी आर साथ में नहीं आता। ए बी सी डी देखो, एन एम ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो आपको ये तीन कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स नहीं मिलेंगे, ये एन पी और आर साथ में नहीं आएंगे, राइट। अब आप देखोगे कि ये भी ऑर्डर में नहीं है, आर क्यू पी भी नहीं आता, लेकिन पी क्यू आर तो आता है। तो ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ऑर्डर में है, ये आपने नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों ऑर्डर में है, लेकिन ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, लेकिन बी पार्ट जो है वो बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है, ना इधर से ना उधर से, ना रिवर्स ऑर्डर में ना सीधे ऑर्डर में, राइट। तो आपका ये बी पार्ट जो है ऑड वन आउट है, आपका सही जवाब है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इतने ही क्वेश्चंस थे भाई, सारे सारे टाइप कवर हो गए हैं, आप इनको देख लेना, ये 5 टाइप्स हमने कवर किए हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।